तो तमिलनाडु तौहीद जमात पतंजलि के कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और कई फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ फतवा जारी किया है और TNTJ ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि सभी मुसलमानों को पतंजलि प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जानकारी न होने के चलते कई लोग इनको यूज भी करते हैं और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है जो लोग धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर लोगों को बांटने का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों का कट्टरवाद है वो उतना ही खराब है जितना बहुसंख्यकों का कट्टरवाद, और ये एक दूसरे को मजबूत करता है। जो धार्मिक भावनाओं के को भड़काते हैं, धार्मिक भावनाओं को एक आधार बनाकर समाज को बांटने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।